नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है कल्याण लोकसभा का। यहां कल्याण लोकसभा के लिए शिवसेना की तरफ से श्रीकांत शिंदे जी का नाम जो है घोषित कर दिया गया है, यानी ऑफिशियली। हालांकि वो पहले से ही सबको पता था कि उनका नाम कन्फर्म है, और उनके सामने है वैशाली दरेकर राणे। तो इस तरह का हाँ मनसे से खिसिया में थी, शिवसेना से अब जो इनको टिकट मिला है, यानी महाविकास आघाड़ी की तरफ से वैशाली दरेकर। वो मनसे से लॉयल है, यस, अभी भी। और एनडीए की बात मैं बताता हूँ, वो अभी भी उसके घर में राज ठाकरे साहब का वोट। फिलहाल तो विशेष शिवसेना कैंडिडेट है वो, और भी होगा। तो आमने सामने की लड़ाई जो है श्रीकांत शिंदे जी और वैशाली दरेकर जी के बीच में होने वाली है। किस तरह की टक्कर होगी, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे आज। वैसे हम एक बात यहाँ भी बता दें कि सर उद्धव जी हमेशा करते हैं कि हम मर्द में मर्द, तो मर्द के सामने मर्द को खड़ा करना चाहिए था, तो एक बड़ा टक्कर देखने को मिलता था। मैं तो समझता था आदित्य ठाकरे जी का नाम जो है कल्याण लोकसभा सीट के लिए आएगा, लेकिन वो मामला जो है उल्टा हो गया पूरा। हिम्मत जी जी, वो खुद भी खड़े हो जाते थे जी, और वो हिम्मत नहीं उनकी, नहीं मतलब होना चाहिए था। हाँ, कोई बड़ा मुकाबला देखने को मिलता। ये अभी क्या हो गया, क्योंकि हमेशा बोलते थे मैं वो दरेकर को ऐसा खड़ा किया है कि वे हारने के लिए डिपॉजिट बचा तो भी बड़ी जीत होगी उसकी। हाँ। डिपॉजिट भी नहीं बचेगा उसका इतना। और सर दो अपक्ष खड़े होने वाले हैं जी, अगर राज साहब की और बीजेपी की बनी और नहीं बनी तो भी हो सकता है कि राजू पाटिल को वो खड़ा करे मनसे की तरफ से। मनसे की तरफ से कोई नहीं है ना। तो अभी तो मनसे का तरफ कुछ नाम ही पता नहीं, हाँ, तो नहीं वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे या क्या करने वाले, सपोर्ट करने वाले हैं, किसको सपोर्ट करने वाले हैं, अपने साथ से मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि एनडीए में शामिल होंगे, वो भी पता नहीं है। अभी वो बोल रहे हैं गुड़ी पड़वा के बाद में कुछ बोलूंगा, क्या बोलेंगे पता नहीं, क्या डिसीजन लेंगे पता नहीं। लेकिन सर वैशाली जी को जो महिलाओं का समर्थन नहीं मिल सकता वहां, सर महिलाएं करके महिलाओं को सपोर्ट मिलता तो अलग बात होती ना। फिर मोदी जी चुनके नहीं आते, 400 पर होते ही नहीं, देश की आधी आबादी तो महिलाओं की है ना, फिर भी आते हैं। सर एक चर्चा और भी है वहाँ पर कि जो मामला अभी बीच में हुआ था गणपत गायकवाड़ का, जो वहाँ विधायक थे बीजेपी के, आज वो जेल में है, और फायरिंग का मामला हुआ था, शिवसेना और बीजेपी का ही लड़ाई हो गया, तो क्या ये लड़ाई वहाँ पर देखने को मिल सकती है? हाँ मिल सकती है सर। नुकसान तो शिंदे साहब का नुकसान होगा, फिर होगा ना जी, होगा, मगर इतना नहीं होगा क्योंकि शिंदे साहब के अपने भी पुण्य ही हैं, उन्होंने भी काम बहुत किया है। एकनाथ शिंदे ने जितना काम किया है शायद ही किसी एमपी ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया होगा। और अभी ऐसा हो गया है कि फडणवीस साहब ने अनाउंस भी कर दिया अभी 5 मिनट पहले जी जी, कि भाई वही चुनाव में उम्मीदवार रहेंगे। तो वो जो कुछ लोग मामला उठा रहे थे कि नहीं होंगे नहीं होंगे, वो खत्म हो गया। बहुत गंदगी गंदे तरीके से उन्होंने श्रीकांत के खिलाफ बोला, हंस रहे थे ऐसे। वो अभी उनकी मीटिंग हुई उसमें कर कौन ओ औरतें और कुछ लोग, क्यों शिंदे के खिलाफ मीटिंग ली ना उन्होंने सुबह, तो फडणवीस को इन्होंने बोला शिंदे साहब ने कि भाई अगर एकनाथ के खिलाफ मेरे बेटे का मैं सीट नहीं क्लियर कर सकता हूँ तो बाकी लोग मेरे का क्या भरोसा रखेंगे, मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा इसके लिए। तो डर के मारे फडणवीस साहब ने 5 मिनट के अंदर अनाउंस किया कि एकनाथ शिंदे ही रहेंगे, ये श्रीकांत शिंदे ही रहेंगे, अनाउंस किया ना। अभी रविंद्र चौहान साहब का कितना सपोर्ट मिल सकता है? रविंद्र चौहान वो बीजेपी के मंत्री है ना, वहां पर बीजेपी में मंत्रालय उनके पास है। करेंगे, करना चाहिए उनकी, हालांकि रेस में तो वही थे कि उनको भी चुनाव लड़ना है ना विधानसभा। नहीं वो रायगढ़ के लिए थे, थाना के हाँ इधर भी थे, वो सब जगह थे बराबर, वो सिंधुदुर्ग में भी थे, पालघर में भी थे कल्याण में भी थे, थाना का भी थे, जोकर है ऐसा कहीं दूरी तिरी एक्का पंजा छक्का ऐसा कभी थाना का भी चर्चा में थे, तो थाना सीट हमको मिलेगा था, हम ले लेंगे क्या। चलो एकनाथ जी के बेटे का अनाउंस हो गया श्रीकांत का, अच्छा हो गया। फडणवीस ने अनाउंस किया तो अभी कोई वादा नहीं, और जो लोगों ने हंस के ये किया था वीडियो बिखरा है अभी टीवी पे, उनके ऊपर फडणवीस साहब को कार्रवाई करनी चाहिए असल में, कि तुम कैसे किए बंड किया तुम्हें मेरे खिलाफ, ऐसा हो गया। बीजेपी वाले भी अभी आजकल नहीं मानते बाबा, वो पूना में भी ऐसा ही चक्कर हो रहा है, वहाँ भी कोई खड़ा रहने की बात कर रहा है। अभी पूना में सर ये वसंत मोरे जो है वो चुनाव तो हारेगा, बुरी तरह से हारेगा,
इसमें कोई शक नहीं है, पर वो अपनी जो एक इज्जत बनाए हुए अभी तक झाकरी मुठ सवा लाख है ची, मतलब अभी पता नहीं है ना लोगों की उसकी असली ताकत क्या, अभी पता चलेगी वो चुनाव हारेगा और बहुत बुरी तरीके से हारेगा तो लोग बोलेंगे देखो इसकी ताकत क्या है, ये मनसे कथा करके उसको ताकत थी, अभी इसकी ताकत तो कुछ हजार तक है तो बहुत बुरी तरीके से हारेगा वो, क्यों उसकी ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है, वो कोई ऐसा महात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, आत्मा भी नहीं है कि उसके लिए लोग टूट पड़े भगवान आ गया भगवान आ गया अवतार हो गया ऐसा थोड़ा सोचेंगे, उसकी जिंदगी की कहानी तो अलग ही है, वो कोई पॉजिटिव नहीं है निगेटिव ही है, तो उसके लिए मिडिल क्लास वाले तो वोट नहीं देंगे, बीजेपी के ज़्यादा करके लोग कौन है मिडिल क्लास वो नहीं देंगे, ओबीसी फैक्टर हाँ वो भी नहीं देंगे, इसके साथ वही रहेंगे जिनको ऐसा क्रेज रहता है भाई अरुण गौड़ी ये वो ऐसे लोग, अरुण गौड़ी बाहर आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं और अरुण गौड़ी की बात की है आपने, वो तो बाहर आ रहे हैं चुनाव के टाइम पर आ रहे हैं, कुछ तो गुल खिलाएंगे वो, हाँ खिलाएगा, अब किसका सपोर्ट करते हैं उद्धव जी के सपोर्ट करते हैं कि बीजेपी फडणवीस का सपोर्ट करते हैं, नहीं वो सरकार के साथ रहेंगे, हाँ वो सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, अभी छूट रहे वही तो सरकार की मेहरबानी क्योंकि आधी जन्मठे बाकी है उसकी, हाँ फिर भी छोड़ रहे उसको नागपुर से, हाँ तो अभी कोर्ट नहीं दिया है उसको मगर सरकार ने भी पॉजिटिव किया है करके, गौड़ी खड़ा रहना चाहिए, गौड़ी को खड़ा असल में सपोर्ट करेंगे किसी न किसी को सपोर्ट, मुंबई साउथ मुंबई का नहीं वो मध्य मुंबई शिंदे और भाजपा को सपोर्ट करेंगे, सर श्रीकांत शिंदे का जो इलाका आता है बदलापुर उन्होंने और इधर अपना मुमरा तक लगता है, हाँ कलवा तक, कलवा मुमरा से जितेंद्र रावत का कंस्टिट्यूशन है तो क्या लगता है वहाँ से मदद मिलेगी, नहीं जितेंद्र रावत को वोट देना अलग बात है और श्रीकांत जी को वोट देना अलग बात है, श्रीकांत जी ने अपना काम किया है जी, इसने अपना काम किया है, इसका भी काम अच्छा है, जितेंद्र का भी काम अच्छा है, मगर वो टक्कर नहीं होगी, वो वहाँ पे ये करेगा सबोटेज करने की कोशिश बोलेगा ये करेगा, मगर श्रीकांत शिंदे मैं बोलता हूँ कम से कम 3 लाख वोट से जीतेंगे, 5 लाख का उन्होंने अनाउंस किया है, नहीं नहीं मैं 3 लाख देता हूँ, भाई 5 लाख कैसे ना मोदी के ऊपर भी कुछ लोगों की नाराजगी है वो भी रिफ्लेक्ट होती है ना थोड़ी, तो भी फिर भी 3 लाख के नीचे नहीं होगा उनका विजय, 5 लाख होगा तो और आनंद है मगर 3 लाख तो होगा ही होगा कम से कम 3 लाख। सर आप लोकसभा में आप बार बार बोलते हैं कि लोग वोट दो ही जन को देख के देंगे, या तो मोदी जी को या तो मोदी जी को नहीं देना है वो करके, तो राहुल नहीं राहुल नहीं मोदी जी को नहीं जिताना है करके एक हो रहा है और दूसरा ये भी होता है, हाँ तो मोदी को जिताने वाले और नहीं जिताने वाले, तो इसमें जो है कैंडिडेट कितना मायने रखता है सर आपको क्या लगता है, सर क्या कैंडिडेट के बारे में कैंडिडेट मायने इसलिए रखता है कि उसने काम बहुत किया, अच्छा क्या बेटा इसके लिए नहीं काम ही किया है उसका नेचर ही है, वो मुख्यमंत्री तो अभी 2.5 साल बने उसके पहले कहाँ मुख्यमंत्री थे, नहीं 2014 में तो पहली बार एकदम यंग थे एकदम, मतलब ऐसा लगा कि नहीं नहीं मगर स्कूल के लड़के बुला के वहाँ पर सांसद के लिए, नहीं 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 वो देखो वो काम करने वाला आदमी है उसका नेचर ही है वो काम करने वाला आदमी है, इसलिए उन्हें 14 से 19 में बीच में भी काम किया, 19 और 22 के बीच में भी काम ही किया, बहुत सारा काम किया, ऐसा नहीं है वो काम के ऊपर जीतेगा आधे वोट, आधे वोट शिंदे साहब के और आधे वोट लड़ाई तो मोदी साहब लड़ाई तो भाजपा वाले की पंचायत ऐसी है, ये इतना नाटक कर रहे हैं उसके खिलाफ बोल रही है, मोदी को जिताना है कि नहीं एक ही सवाल पूछना है उनको, उनको मोदी चाहिए कि नहीं चाहिए, 400 पार करना है तो जो भी उम्मीदवार रहेगा उसको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा आपको चाहे गणपत गायकवाड़ की तरफ से निगेटिव हो या पॉजिटिव, नहीं आप गायकवाड़ के लिए और गायकवाड़ ने क्या भला कर्म किया है, मर्डर तो किया है सबके सामने, वो कैमरे के सामने सीसीटीवी में सब कह दी है, उसमें झुटला नहीं सकता कि मैंने गलत, मेरे को मैं इनोसेंट हूँ मेरे को फंसाया है, नहीं अभी तक सर 3 लाख से 5 लाख तक आएगा, एक मिनट मैंने अपने श्रीकांत सब सवाल ही नहीं, और मोदी लाट भी रहेगी उसकी लाट भी रहेगी दोनों मिलके अच्छा मिलेगा उसको, और ये दरेकर सर डिपॉजिट बचाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्या बात है, कौन है कौन उसके साथ ये सब। एक लास्ट क्वेश्चन सर, अभी कल्याण का तो फाइनल हो गया है, थाना का फायदा क्या देख रहे हैं सर, थाना का तो काफी इम्पोर्टेंट काफी चर्चा में है कि क्यों अभी तक कैंडिडेट नहीं हो पा रहे, सर थाना में प्रॉब्लम अगर बीजेपी टाइट है कि सिद्धे साहब का प्रॉब्लम है, सिद्धे साहब को अपने आदमी को देना चाहिए जी, उनके आदमी है फाटक है प्रताप सरनाईक है नरेश मस्क है
उन्होंने अगर संजीव नाइक वगैरह जैसे बाहर के आए हुए आदमी को दिया तो इनका नाराज हो जाएगी, यहाँ के लोग जो शिवसेना के वो वोट नहीं देंगे संजीव नाइक को, फिर वाटा चला जाएगा। हाँ, वाटा को आनंद अगर ये रहता है तुम्हारा संजीव नाइक तो समझो संजीव नाइक का डिपॉजिट बचेगा खाली, बाकी सब लोग तो शिवसेना को देंगे वोट, वो शिवसेना का क्या लेना देना है उसका, अभी उन्होंने गद्दारी की है ना शिवसेना से, वो गए थे ना भाजपा में सत्ता की अभिलाषा से, मिला तो कुछ नहीं, बाप को भी नहीं मिला बेटे को भी नहीं मिला, मुश्किल से एक टिकट मिला। हाँ, तो आमदार की का वो भी वहाँ भी मंत्री विंत्री नहीं किया उनको, और अभी खासदार किया तो ऐसी पुण्य ही किया है उसके, वो तो सुप्रिया सुरे का गुलाम करके क्लार्क करके काम करता था वहाँ पे, सुप्रिया सुरे का क्लार्क था वो, पीए था संजीव नाइक, उसको आप देंगे? मुझे नहीं लगता है देंगे संजीव नाइक को टिकट, देंगे तो फिर थाना में हलकल्लोल हो जाएगा, सब शिवसैनिक बोलेंगे नहीं इसको गिराना है, इसको गिराना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है किसी को लॉयल आदमी को ही देंगे, ये तीन में से एक होगा ऐसा लगता है मुझे, प्रताप सरनाइक हो सकता है, नरेश मस्के हो सकता है, और ये हो सकता है बीजेपी का कतई नहीं होगा, बीजेपी का उम्मीदवार नहीं होगा ये तैयार है जोर शोर में। ठीक है तो हम लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या लगता है कल्याण का तो चेहरा कर दिया, अब थाना का चेहरा के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को सीट मिलना चाहिए या शिवसेना को मिलना चाहिए, अगर शिवसेना को टिकट मिलता सीट मिलता है तो किसी को जाना चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, और ऐसी खबरों की चर्चा के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद, जय हिंद जय महाराष्ट्र, और सत्य साहब का चैनल है अनिल गगन भी सत्य, और फेसबुक भी है अनिल सत्य और अनिल गगन भी सत्य, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को ज्यादा करिए वहां पे बहुत ज्यादा आता है, धन्यवाद जय हिंद।